हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी ब्यूटी स्किन केयर सिंपल एंड नेचुरल रेमेडी में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मेहंदी की वो रेसिपी जिसको यूज करके आप अपने बालों की तमाम परेशानियां हल कर सकते हैं और बालों को घर में ही प्रोटीन ट्रीटमेंट करेंगे और किसी भी आर्टिफिशियल कलर के बिना ही। बहुत ही अच्छा कलर भी देगी ये मेहंदी और इसमें हम आपको वो सारे टिप्स बताएंगे जिसको यूज करके और आप अपने बालों की लंबाई के अनुसार जरूरत के हिसाब से ही सामग्री यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस मेहंदी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है अपने बालों के हिसाब से 10 बड़े चम्मच मेहंदी ली है। आप यहाँ पे कोई सी मेहंदी यूज कर सकते हैं जो आपको बालों में सूट करती हो। मतलब मैं जो ले रही हूँ वही नहीं, मुझे देखो ये सूट करती है तो मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ, और आपको जो ना आपके बालों पर सूट करती हो आप वो ले सकते हैं। तो आप अपने बालों की लेंथ के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर एक चम्मच मैंने लिया है आंवला पाउडर और एक चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर सीकाकाई पाउडर। ये आपको बाज़ार मिल जाता है और ये खुद ही खरीद कर आप घर पर ही इसका पाउडर बना सकते हैं, वो ज़्यादा विश्वास योग्य होता है और हम अपने घर की सामग्रियों पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैंने डाल दिया है एक चम्मच दही। दही है जो बालों में जो खुश्की होती है ना, यानी कि जो डैंड्रफ होता है उसे ख़त्म करेगा। अब आपको यहाँ पर एक अंडा डालेंगे। अब आप एक यहाँ पर अंडा डालेंगे। अंडा बालों में है ना प्रोटीन देगा और उसके साथ साथ बालों को हाइड्रेट करेगा, सिल्की शाइनी करेगा। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक या दो चम्मच मेथी पाउडर डालना है जो कि ना बालों को लंबे करेगा, घने करेगा, बालों को शाइन भी देगा और बालों का ना जो झड़ना होता है ना उसको ये बंद कर देगा पूरी तरह से। क्योंकि मेथी हमारे बालों को जब हम उसको पीस के लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ना वो एकदम शाइनी बनका देती, सिल्की कर देती। इसी तरह से हमारे बालों का ये झड़ना टूटना बंद कर देती है मेथी। मेथी को अगर ना आप उसका सिर्फ ना पानी ही ना लगाते हैं तो बाकी में आप उसका यूज करेंगे ना तो आप खुद ही देखेंगे कितना फ़र्क महसूस होता है मेथी से। तो इसलिए ना यहाँ पर ना मेथी का जो पाउडर है तो मैंने ना दो चम्मच यहाँ पर इसमें मिला दिया है। और अब आपको यहाँ पर लेना है सरसों का तेल। बालों में ये जो मेहंदी ना निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, काफ़ी लोगों की ये बना दिक्कत होती है कि जब हम बालों में से मेहंदी को धोते हैं ना तो उसमें से ना वो बुरी तरह से निकलती है, बाल खिंचते हैं, टूटते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, इसका ये सबसे ज़्यादा खास प्रोसेस ये है कि जब भी आप बालों में मेहंदी लगाते हैं ना तो उसे पूरी तरह से सूखने मत दीजिए। अगर आप उसे थोड़ा सा नमी मतलब थोड़ा हल्का गीला रहने देंगे तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, एक चम्मच यहाँ पे मैं ये सरसों का तेल डाल दूँगी इसमें। अगर आपके पास सरसों ना नहीं लगाते हैं, आप जो भी ऑयल अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप लगाते हैं, आप कोकोनट का लगाते हैं, आप ना बादाम का लगाते हैं, आंवला लगा, जो भी आप लगाते हैं तो वो तेल इसमें आप एक चम्मच डाल सकते हैं, सिर्फ मात्र एक चम्मच ही डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने एक चम्मच यहाँ पे इसको डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेना है। यहाँ पर सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है यहाँ पर। और अगर आपके बाल ज़्यादा गिरते हैं तो आप इसमें ना एलोवेरा जेल है, और वो भी कौन सा, फ्रेश एलोवेरा जेल, तो वो जेल है। और आप है ना ऑनियन जूस मतलब प्याज का जो रस होता है ना तो वो आप है दो दो चम्मच डाल सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं, या तो एलोवेरा का जूस डाल सकते हैं या तो दो चम्मच आप है ना प्याज का रस डाल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये कॉफ़ी और चाय का पानी जो कि मैंने पहले से बॉइल करके रख लिया था। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मात्र आपको एक चम्मच चाय की पत्ती लेना है और दो चम्मच कॉफ़ी मिलाकर और एक गिलास पानी में आपको इसको बना लेना, उबाल लेना है। मैंने अपनी मेहंदी के ना घोलने की ज़रूरत के हिसाब से इसको हिसाब से बना लिया था। तो आप अपने जितनी मेहंदी आपको लगती है बालों उसी के हिसाब से ये अपने घोलने के हिसाब से बना लीजिए। और इस पानी को डालने के बाद साथ ही साथ इसका हम पेस्ट बना लेंगे जिससे कि इसमें एक भी गुठलियाँ ना बने, अच्छे से बढ़िया तरीके से फेंटना है क्योंकि इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए। अगर गुठलियाँ रहेंगी तो मेहंदी में जो लस है ना एकदम बढ़िया रेसेदार मतलब लसदार नहीं बन पाएगी। तो इसे जितना अच्छे से आप इसे फेंटें उतना अच्छे से ये बन जाएगी। तो इस तरह से आप इसको फेंट लें, बना लें, तो इस तरह से ये मिक्स होना चाहिए। और इसमें मैंने ना कोई बीटरूट का रस या नहीं डाला है क्योंकि उसका कलर जो है ना बहुत ही जल्दी ही दो बार के वॉश करने से निकल जाता है क्योंकि वो एक नेचुरल कलर होता है। हाँ, अगर उसे मेहंदी मिलाते हैं और थोड़ा जब उसको पका लेते हैं अगर वो मिलाते हैं तो उसमें ना थोड़ा सा लंबे समय तक चलता है। तो आप ना इसमें, मैंने यहाँ पर कोई बीटरूट जूस का इस्तेमाल नहीं किया है, आप करना चाहते तो करिए वरना रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सिंपल तरीके से ही हम बालों में जब मेहंदी लगाएंगे तो हमारे बालों में ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इसी से ही हमारा बालों बहुत अच्छा प्यारा कलर हो जाएगा और डाई भी हो जाएंगे हमारे बालों में ब्राउन कलर की। तो इस तरह से इसको आप है ना मिक्स कर लीजिए। और ये एक नेचुरल हेना है, इसका जो कलर है बालों के ऊपर बहुत ही अच्छा रहेगा। बालों का जो है ना आर्टिफिशियल हेयर डाई है ना जो नुकसान होते हैं बालों में तो वो भी बिल्कुल नहीं होंगे और ये बालों के लिए बिल्कुल सेफ है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने डाल दी हैं और आप देख ही रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ सा इसका इस तरह से पेस्ट बना लेना है।
और उसके बाद फिर इसको आपको ओवर नाइट रखना है। और बहुत ही ज़रूरी है इसको ओवर नाइट रखने के लिए, क्योंकि जब इसे हम रखेंगे तो इसमें एक डाई रिलीज होगी, जो सुबह तक है ना इसमें पानी हल्का सा पानी ऊपर से जो आ जाता है वो डाई रिलीज होती है। तो इसे ओवर नाइट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ओवर नाइट रख देंगे तो फिर उसके बाद फिर इसे ना अगले दिन आप अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, अगले दिन से आप अपने बालों में लगा लीजिए। तो मैंने लगा ली थी बालू मेहंदी, और फिर मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए, तो फिर मैंने अपने आप वीडियो आपके साथ शेयर किया है। और आप देख ही सकते हैं मेरे बालों में इस तरह से इसका कलर आया है, और बाल बहुत ज़्यादा मेरे सिल्की साइनी से भी हो गए हैं, क्योंकि मैंने इसमें ना एग भी डाला था इस वजह से। और ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बेस्ट है ना हेयर पैक है, बेस्ट हेयर डाई है ना पैक आप बोल सकते हो। तो इस तरह से आप इसे बनाइए और अपने बालों में लगाइए, बहुत ही अच्छा आपको कलर भी मिलेगा, और साथ साथ आपके बाल है ना जो बहुत प्यारे से ना सिल्की साइन स्मूथ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस मेहंदी को ज़रूर ट्राई करें और अपने बालों की तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं इस हिना हेयर पैक से। आई होप आज का ये मेहंदी का हेयर पैक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए तो ना कमेंट सेक्शन में मेरे लिए छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि हाँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।